हेलो संगवारी हो, आप मन के अपन चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हमन स्कंदन और हार्डी सुलझे नियम क्या है। लिखा गया है यहाँ पास, आखिर स्कंदन किसे कहते हैं तो इसे एक बार पढ़ ले। जो कोलाइडी कण धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश युक्त होते हैं और यह देखा गया है कि कोलाइड में उन पर आवेश के विरुद्ध वाले विद्युत अपघट्य उचित मात्रा में मिला दे तो उनका आवेश जो कि नष्ट हो जाता है और वे आपस में इकट्ठा होकर अवक्षेप बना लेते हैं। क्या बोले कि कोलाइडी कणों का विद्युत अपघट्यों द्वारा अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है। एक बार और समझ ले कि जो भी कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण किसे कहते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर कंपाउंड है और उस कंपाउंड को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में अगर डाल दिया जाए उस कंडीशन में, उस मेम्ब्रेन के आर पर बड़ा धीमी गति से होते हो, जैसे कि शहद जैसा चीजें की बात किए थे, तब उस तरह से जो कोलाइडी कण है उसमें कोई उस कोलाइडी कण के अपोजिट आयंस वाले पदार्थ हम मिला दिया जाए तब उस पर क्या है जो कि अवक्षेप प्रेसिपिटेट बन जाता है और उसी अवक्षेप का बनना ही क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। अगर इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि जो दूध है उसे अगर रख दे तो वह दूध क्या है, फट जाता है। अब दूध का आराम से जो कि फटना एक तरह से क्या है, स्वाभाविक बात है, जिसे काल प्रभावन कह देते हैं। लेकिन अगर उसी दूध में नींबू डाल दिया जाए पनीर बनाने के लिए तब क्या होता है, देखिए हम लोग यहां पर दिखाते हैं कि मैं यहां से जो कि दूध ला लिया हूं और एक नींबू भी काट ली है। अगर इस दूध में अगर देखा जाए तो सिंपल सी बातें हैं, दूध में जो कि प्रोटीन होता है और प्रोटीन की बातें किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग केसिन की बातें कर रहे हैं। इसमें जो केसिन है और नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, तब इस नींबू को इस दूध में अगर डाल दिया जाए तो दूध क्या हो जाता है, जो कि अम्ली हो जाते हैं, जिसकी वजह से फट जाएगा और फटना यानी कि अवक्षेप बना लेता है और अवक्षेप का बनना ही क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाते हैं। तो चलो यहाँ पर डाल के देखन, एक नींबू है यहाँ पे और ये है भी यहाँ पर दूध है। अगर दूध में नींबू ला निचोड़ दन तो दूध जो कि काहे तुरंत फट जाए और फटे से एकर मतलब वहाँ पास वह स्कंदन की क्रिया ला कर ली। तो देखो अभी जो देखे थे हम लोग उसके कंपेयर में अब देखें इसको, ये देखिए यहाँ पास ये जो दूध है पूरी तरह से जो कि फट चुके हैं, ठीक है। और दूध के फटना एक तरह से स्कंदन के उदाहरण है। इला थोड़ा देर बाद और देख ले वो, जब तक के लिए रख दे और आगे बात करें जाए आखिर हार्डी सुलझे नियम के बारे में। तो देखिए हार्डी सुलझे नियम क्या कहते हैं कि किसी आयंस का स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर डिपेंड करता है। जितनी अधिक संयोजकता होगा उतनी ही अधिक उसकी स्कंदन शक्ति होंगे। यहाँ पर ट्रिक इसको क्या बोले एक बार लिख दें, यहाँ पर ट्रिक के थ्रू सबसे पहले तो स्कंदन शक्ति बता रहे हैं जो हार्डी सुलझे नियम है, और स्कंदन शक्ति तब ज़्यादा रहेगा जब उसकी अपोजिट संयोजकता ज़्यादा होगा। संयोजकता के बढ़ने के साथ ही साथ अवक्षेप बने की क्रिया जो कि बढ़ते जाए, वही लगे गए यहाँ पास हार्डी सुलझे नियम है कि किसी भी आयंस का अवक्षेप बनना या प्रेसिपिटेट बनना या फिर स्कंदन होना उकर संयोजकता के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एग्जाम्पल के बात कर ले, अगर कोई धन आयन वाला कोई कोलाइड है, इस तरह से अगर एग्जाम्पल की बातें किए, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कि पॉजिटिव साल है, अगर पॉजिटिव साल के बात करें तो यह स्कंदन होने पर काकर जिम्मेदार रही, जो कि निगेटिव साल निगेटिव आयंस की जरूरत है। तो यहाँ पास PO4 माइनस 3 आयंस, SO4 माइनस 2 आयन और Cl माइनस, अगर इनमें देखे जाए तो सबसे ज़्यादा आयंस इन तीनों में PO4 3 माइनस आयन के है, तो जेकर वजह से स्कंदन शक्ति एकर ज़्यादा रही। वही बात कर ले यहाँ पास निगेटिव साल की बात करें तो कर ले पॉजिटिव आयंस जरूरी है ताकि वोला स्कंदन कर दे, तो स्कंदन के लिए अगर बात कर ले Na4+ Al2+ Be+2 Pb+2 आयंस, ये आयंस में अगर देखे जाए तो यहाँ पास का है
SN4 जो कि ज्यादा आयंस है, तो वह चूंकि बहुत ही जल्दी स्कंदन कर दे। एक बार और देख ले कि एग्जांपल के थ्रू समझे, यहां पास SO4 माइनस आयन और SO2 माइनस 2 आयन, और एक और बात कर ले PO4 माइनस 3 आयंस की। अगर इस तरह से जो भी आयंस है एआईएस में कला कोई कोलाइड में मिला दे जाए, जो कि कोलाइड रही कोई पॉजिटिव साल वाला, तब निगेटिव आयंस ज्यादा इफेक्टिव रहे होकर लिए। तो अगर तीनों ला मिला दिया जाए ओ कंडीशन में काकर साथ स्कंदन शक्ति ज्यादा रही। तो यहाँ पास यही पढ़े हैं मनना कि जेकर आयंस ज्यादा हुई स्कंदन शक्ति वही है बहुत ही ज्यादा और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली के साथ में देखा है। तो ये है आज के हमार टॉपिक स्कंदन किसे कहते हैं और हार्डी-सुलजी नियम क्या है। तो आई होप आप मल्ला ये वीडियो अच्छा लगी सोई। अगर अच्छा लगी सोई तो आप चैनल ला सब्सक्राइब करो, वीडियो ला शेयर करो, और इसी तरह से हम आप मल्ला फिर से मिलबो नए वीडियो, और नए वीडियो में भी हम एक प्रैक्टिकल करके दिखाबो साथ ही साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। Thank you.